हेलो फ्रेंड, फेमस टीवी सीरियल तेरी मेरी डोरियो के आगे आने वाले एपिसोड में अब आप देखेंगे कि सीरत कर रही है अंगद के करीब आने की कोशिश। अपनी मीठी मीठी बातों में अंगद को फंसाना चाहती है, तो वहीं ये बात मनवीर को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, अब शो के आगे आने वाले अपकमिंग ट्रैक में अब आप देखेंगे कि जहाँ सीरत अंगद के करीब आने की कोशिश में लगी पड़ी है, वो इस बात का बखूबी फ़ायदा उठा रही है कि अंगद ने उससे प्रॉमिस किया था कि उसके रहते उसे इस घर में किसी भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। जहां साहिबा दार जी के डिसीजन के अगेंस्ट खड़ी हो जाती है और फाइनली घर छोड़ने का फैसला कर लेती है, तो वहीं सीरत अपने मकसद को पूरा करने के लिए अंगद के रूम में चली जाती है और अंगद को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसाकर उसकी हमदर्दी गेन करना चाहती है। उसे दिखाना चाहती है कि उसे उसकी कितनी परवाह है, वो साहिबा से बिल्कुल अलग है। वो अंगद के सामने नाटक करती है और साहिबा को रोकने की कोशिश करती है, लेकिन साहिबा किसी की नहीं सुनती और वहाँ से चली जाती है। इसी बात का फ़ायदा सीरत उठाती है और वो अंगद से बातें करने लग जाती है और अंगद को थैंक्स बोलती है और अंगद को मैनिपुलेट भी करती है और कहती है कि आप खुद को अकेला मत समझना, जब भी कभी आपको कोई भी बात शेयर करने का मन करे तो मैं हूँ और आप जब भी मुझे याद करेंगे तो आप मुझे अपने पास पाएंगे। तो वही मनवीर अंगद के रूम के बाहर खड़ी खड़ी ये सारी बातें सुन लेती है, जहाँ मनवीर को इस बात का डर है कि कहीं अंगद के मन में सीरत के लिए फिर से प्यार ना जाग जाए। मनवीर अंगद के रूम में आती है और सीरत की जम के क्लास लगाती है और कहती है कि अंगद के रूम में आने की तुम्हें कोई नीड नहीं है, उसकी माँ अभी ज़िंदा है, अगर अंगद को कुछ भी कहना होगा तो वो से कहेगा, तुम अंगद से दूर रहो तो अच्छा है। वही सीरत बुरी तरह से डर जाती है और हाथ जोड़ के मनवीर से माफी मांगती है और वहां से चली जाती है।